छतरपुर में वर्ष 2018 में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए मध्य प्रदेश की तत्कालीन शिवराज सरकार ने न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि रातों रात एक शिला पूजन भी कर दिया था। लेकिन चार साल गुजरने के बाद छतरपुर का मेडिकल कॉलेज जमीन पर आकार नहीं ले सका है। पिछले दो महीने से छतरपुर के मेडिकल कॉलेज का निर्माण अदालत में दायर की गई एक याचिका के कारण रुका पड़ा है। एक बार फिर छतरपुर के जागरूक नागरिक इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आई बाधाओं को दूर करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू कर चुके हैं और प्रशासन व सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे जल्द से जल्द छतरपुर की इस अपेक्षित मांग को पूरा करें। छतरपुर में मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक जागरूकता मार्च निकाला गया। इस दौरान आकाशवाणी तिराहे पर मेडिकल संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों को वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुभाष चौबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जो हमारी बहुत समय से एक बहुत आवश्यक मांग हमारे छोटे से शहर के लिए जो लंबित है, उसके बारे में शासन तुरंत कार्रवाई करके हाईकोर्ट में जो भी याचिका दायर हुई है उसको तुरंत सुनवाई के लिए शासन अपने लेवल पे जिला स्तर से प्रयास करके उसको स्टे वैकेट करा के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तुरंत शुरू करें। क्या मानती हैं, इतनी बरसों से अटका है, कई बार आंदोलन भी हो चुके हैं उसके बावजूद भी? देखिए, हम लोग शुरू से इस मामले में शासन से और सरकार के विभिन्न स्तर पर उसकी मांग हम लोग करते रहे हैं। हम लोग का कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, ये एक हमारे शहर की एक मांग है जिससे हमारे शहर के इतने जो जुड़े हुए ज़िले भी हैं उनको भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के बाद बहुत फ़ायदा होगा। जैसे बहुत सारी योजनाएं, हमारे नदी जोड़ो योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे आने हैं, तो मेडिकल कॉलेज की मांग बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य शुरू होगा तो बहुत सारी हमारी जो मेडिकल से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए मेडिकल कॉलेज का तुरंत बनना बहुत आवश्यक है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि शासन इस बारे में तुरंत निर्णय लेके जो मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अटक गया है उसको तुरंत हर स्तर पर शुरू कराने का प्रयास करेंगे। मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से वरिष्ठ पत्रकार हरि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस रैली के माध्यम से शहर के हर कोने में रहने वाले लोगों को जागरूक किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया ताकि छतरपुर के मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आ रही बाधाओं को शासन और प्रशासन जल्द से जल्द दूर करे। इस जनता जनार्दन को जागरूक करने के लिए डॉक्टर सुभाष चौबे नर्सिंग होम से इस पूरे शहर में यहाँ से प्रारंभ होकर के क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल तक नौगांव रोड पर, गुरुद्वारे तक महोबा रोड पर, इसके बाद गल्ला मंडी में इलाहाबाद बैंक, पुराने इलाहाबाद बैंक तक, वहाँ से लौट करके बसारी दरवाजे तक, बसारी दरवाजे से लौट कर चौराहे से महल होते हुए यहाँ आपके सामने जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें जनता जनार्दन को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई थी कि मेडिकल कॉलेज जो बन रहा था उसका कार्य रोक दिया गया है एक स्टे मिलने के कारण, सरकार इसमें बहुत ढीली है, इसको जनता जनार्दन को जागे, अपना हक को पहचाने और आंदोलन के लिए पुनः तैयार हो जाए। हमने आज ज्ञापन आप लोगों के समक्ष कलेक्टर को सौंपा है, यदि 15 दिन के बाद कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो पुनः एक बार छतरपुर की जनता जनार्दन के सहयोग से मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा, जो कोई भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता है ना ही राजनीतिक संगठन है, आप सब लोगों के सहयोग से इसमें पत्रकार लोग ज़्यादा शामिल हैं, उन्हीं के द्वारा यह मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया है, जो पूर्व में JP निगम साहब संयोजक थे और उनके निधन के उपरांत अभी हमने डॉक्टर सुभाष चौबे को अपना संयोजक नियुक्त किया है। उनके नेतृत्व में हम सब लोग ये लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज को बनवाने के बाद ही हम शांत बैठेंगे।